अलीगढ़ में भीड़ ने एक युवक को पीट पीट कर मार डाला। मारे गए युवक का नाम औरंगजेब बताया जा रहा है। औरंगजेब को पीटने का आरोप है और 15 से ज्यादा लोग आप देखिए किस तरह से इस पूरे मारपीट में जुड़े हुए थे। मर्डर के बाद पूरे इलाके में हालात भी तनावपूर्ण है। पुलिस मौके पर मौजूद है और सुरक्षा सख्त यहां पर कर दी गई है। आरोप ये भी है कि मारा गया युवक औरंगजेब इलाके के एक कपड़ा कारोबारी के घर में घुसा था, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। मारे गए युवक के घर वालों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग तलाश रही है ताकि उसके जरिए मामले की तह तक जा सके और आरोपियों को पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। तो इस वक्त दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहां पर पिटाई की वजह से युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए इलाके में भारी तनाव का माहौल है। पुलिस कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बनी रहे। इन सब के बीच सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और इस मामले की जाँच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। लेकिन अलीगढ़ में युवक की पीट पीट कर हत्या करने के बाद फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल। मॉब लिंचिंग का मामला है ये, जिसमें जो है वो पूरे एक कम से कम मॉब लिंचिंग टाइप का मामला है, जिसमें 7-8 लोगों ने मिलके एक मुसलमान लड़का है औरंगजेब, उसको मारा पीटा है और इतना मारा है कि उसकी हड्डियां जो हैं वो टूट गई और उसकी जो है वो मौके पे ही कुछ व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को मारा पीटा गया था। इसमें घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मजरूह को अस्पताल उपचार हेतु रवाना किया, परंतु दुर्भाग्यवश उसके उपचार दौरान मृत्यु हो गई। इसमें प्रथम दृष्टया जांच में यह बात सामने आई है कि जो जिन व्यक्तियों द्वारा हमला किया जा रहा था उनको ये संशय था कि जो मृतक है वो उनके घर में चोरी के आशय से घुसा था। और अलीगढ़ में पिटाई से मौत पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के विरोध में लोगों का धरना भी लगातार जारी है, बाजार बंद कर व्यापारियों का प्रदर्शन भी जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें तो अलीगढ़ में पिटाई के बाद जो मौत हुई, इस पूरे मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लगातार धरना दिया जा रहा है और इन सबके बीच बाजार बंद करके व्यापारियों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करती हुई, इसके साथ साथ स्थानीय लोग भी यहां पर उमड़े हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जो तनावपूर्ण माहौल है उस पर कहीं ना कहीं काबू पाया जाए। और इन सब के बीच इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये भीड़ भी आप देख सकते हैं, बाजार बंद कर व्यापारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। पुलिस कोशिश कर रही है एक एक सबूत जुटाने की और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की। तो तस्वीरें आपके सामने और बड़ा सवाल ये कि इस पूरी घटना के बाद इलाके में भी आप देख सकते हैं कि जो माहौल है वो काफ़ी तनावपूर्ण नज़र आ रहा है। जगह जगह आपको पुलिस कर्मी नज़र आ रहे हैं, पुलिस गश्त लगा रही है, पैदल मार्च करती हुई भी पुलिस यहाँ नज़र आ रही है। Z News.